प्रयागराज का मौसम सुहाना हो गया है। देर रात से बारिश जारी है और अभी अगले दो दिनों तक बारिश होने के आसार पूरे बने हुए हैं। बारिश की वजह से पारा भी गिर गया है और रह रहकर हो रही बारिश के चलते आम जन जीवन पर असर पड़ा है। कई जगह जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। सुबह सवेरे काम पर निकलने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जिस तरीके से प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में कल रात से बारिश शुरू हुई है, उसका प्रभाव साफ देखने को मिल सकता है। शहर की बात करें तो प्रयागराज शहर में जगह जगह पर जलभराव की स्थिति कल रात से देखने को मिल रही है। कई ऐसे चौराहे हैं जहां पे समुचित पानी का निकास न होने की वजह से जलभराव की स्थिति हो गई है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आसपास के जिलों का भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। मिंचेंग तूफान की वापसी की वजह से आज और कल जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार बताए गए थे, वह अनुमान कहीं ना कहीं अब सच दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर गुजरात के अरब सागर से उठने वाला विक्षोभीय हवाएं अपने साथ जो बादल लेकर आया है वह भी अब अपना प्रभाव दिखाएगा, जिसकी वजह से अगले 3-4 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मध्य एवं पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारिश की वजह से जगह जगह पर ठंडे हवाओं का जो प्रकोप शुरू हुआ है, जो खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में साफ तौर से देखने को मिल रहा है, ये लोगों को परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि जहां एक ओर इन ठंडे हवाओं की वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, वहीं शीतलहर से लेकर कोहरे की स्थिति बनती जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव आम जनमानस को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में इन कोहरे और ठंडी हवाओं की वजह से जिस दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है, इसका सीधा असर हमें सड़क यातायात पर भी देखने को मिलेगा। वहीं रेलवे का भी कहना है कि कोहरे की वजह से ट्रेनों के आवाजाही पर असर पड़ रहा है और इस बारिश के बाद होने वाले घने कोहरे ने अब धीरे धीरे रेलवे को भी अपने आगोश में लेना शुरू कर लिया है। इस बारिश का असर भले ही 2 या 3 दिन तक ये बारिश बनी रहे, लेकिन इसका असर अब आगे आने वाले समय पर साफ तौर से देखने को मिलेगा, जब इस बारिश की वजह से ठंडी हवाओं अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देगी। मैं इंद्रजीत बैनर्जी, जेएमडी न्यूज, प्रयागराज।